जिसकी हदायत डॉक्टर भी करते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, सबको। तो चले हम शेयर करते हैं कि कौन सी ऐसी रेसिपी है। 1 लीटर हमने दूध लिया है, ये मेरा बॉयल्ड दूध है। इसके साथ हमने लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी। आप इसकी जगह ऑयल दूसरा घी यूज कर सकते हैं, ऑयल वगैरह। साथ हमने लिया है 150 ग्राम दलिया और 150 ग्राम हमें लिया है शुगर। हसबे जरूरत पानी और 1 टेबल स्पून हमें लिया है ग्रेट किया हुआ नारियल, 4 से 5 अदद बादाम, 4 अदद सब्ज इलायची और 3 अदद लिए हैं खजूरें और 2 अदद लिए हैं छुहारे ड्राई डेट्स। तो चलें शुरू करते हैं। अपने सॉस पैन में घी डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। एक मिनट में ये हमारा घी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप कोई भी घी ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या बटर भी यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह। मेरा होममेड देसी घी है, मैं वो यूज़ करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे दलिया, ये थोड़ा सा रह गया वो साथ ही मेल्ट हो जाएगा, और इसकी हम हल्की सी भुनाई करेंगे। बस आपने नज़र रखनी है और बड़े ध्यान से काम करना है ये वाला, अदरवाइज दलिया जल जाएगा, क्योंकि बारीक होता है तो इसे जलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साथ साथ इसके मैं फ़ायदे शेयर करूँगी। दलिया वज़न कम करने में मदद देता है, क्योंकि इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन B1 और विटामिन B2 होते हैं। अगर आप दलिया रोज़ इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल में भी कमी होती है। इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। एक पॉइंट की बात और याद रखिएगा कि साइंसदानों ने ये बात साबित की है कि अगर आप एक प्याली दलिया रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए उन्हें ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होगा। 1-2 मिनट के लिए इसे मज़ीद भूनेंगे। प्याली खुशबू आ रही है दलिया की, बुनाई की। दलिया हमारा बुन चुका है, कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हसबे ज़रूरत पानी, ताकि उसमें दलिया अच्छे से गल जाए। डायरेक्ट हमने दूध में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये गंदम हार्ड होती है और दूध में पकाते तो पक तो जाना था, लेकिन इतना जल्दी नहीं। हम इसे पहले पानी में पकाएंगे। इसे कवर करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। पास जो जो डेट्स एंड ड्राई डेट्स हैं, इनको हम डीसीड करेंगे और चॉप करेंगे। गुठली निकाल ली हमने इसे, बड़ी आसानी से निकल गई, और इसे यू चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। हमने इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दलिया भी हमारा अच्छे से गल गया है, पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। जो बच्चे 6 माह के हो जाते हैं तो उन्हें फिर सॉलिड गिज़ा की ज़रूरत होती है, तो उन बच्चों को ये दलिया बना के दें। फ्लेम हाई करेंगे ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। साथ ही हम इसमें डालेंगे सब्ज इलायची और बॉयल होने तक इसे छोड़ते हैं। बॉयल आना शुरू हो गए हैं, फ्लेम लो करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने दलिए के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे ड्राई डेट्स एंड डेट्स चॉप किए, नारियल डालेंगे ग्रेट किया हुआ, और अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दूध इसमें अच्छे से पक नहीं जाता, दूध और दलिया यकजान नहीं हो जाता। हमारे दलिए के बबल बबल आना शुरू हो गए हैं और दूध भी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो फ्लेम ऑफ करते हैं, दलिया हमारा तैयार है। इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अब हम अपने बाउल में दलिए को निकाल लेंगे, गर्मा गर्म दलिया। आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें
अपने बड़ों को बुजुर्गों को बना के दें, जो रोटी नहीं खा सकते चबाना मुश्किल है उनको दलिया बना के दें। दलिया हमने निकाली है, अब हम इससे बारीक कटे हुए बादाम लगाएंगे ताकि हमारा दलिया और भी यमी हो जाए। ग्रेट किया हुआ नारियल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियो से मुस्तफिद हो सके। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।